थोड़ा सा लिंक का इशू है, तो दैट्स विल सम इशू। ओके सो ये आप पूरा डिटेल भरेंगे एंड देन अगेन यू देखिए, मैंने फिगर भरे, ये छोटा फिगर, इसके लिए मैं स्टैंड ये जनरेट कर रहा हूं। मैंने कुछ फिगर इसमें ब्लैंक है, मैंने कुछ भरा नहीं है, कुछ इसमें आगे पीछे है। लेट सी, देखिए आपको यहाँ पे इरर बताएगा। देखिए आपको इतने सारे इरर आ गए ना, आपको इतने सारे इरर आप लोगों को दिख रहा है? इफ एवरीवन इज विजुअल, हेलो। या या तो आप देखो, या तो इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हो देखने के लिए, अगर आपको लगता है नहीं मैं इसी में देखना चाहता हूँ। डिटैच का यहाँ ऑप्शन है, आप यहाँ पे करो, एक अलग से हो डी अटैच हो जाएगा। सो अभी जो मैं आपको ये वाला सेम मिरर, अगर आपको पूछ बताएगा, जो मैं लास्ट टाइम वाले सेशन में ये चीज को एक्सप्लेन मैंने किया था कि कौन से में है। देखिए ये वाला सिर्फ एक सीट में कॉलर नंबर F14, अगर डबल क्लिक करोगे तुरंत पहुंच जाओगे। यहाँ पे पूछ रहा, बता रहा है कि वैल्यू इज मैंडेटरी, मतलब आपको नाम देना है। फिर आप F16 आपका गलत भर नहीं, मतलब ब्लैंक है। F16 पे क्लिक किया आपको तुरंत उस पर्टिकुलर, तो इस तरह का इरर आता है आपको, इस तरह की चीजें का आपको इरर बताएंगे। अब यह क्या पूछ रहा है, ये वाले रिटर्न में आप कॉलम नंबर 126 ब्लैंक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 126 ब्लैंक रखा है, ब्लैंक जीरो कर दिया। आप दोबारा से उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो इस सारा चीज का, तो ऐसे ही इरर आपको उसमें भी आता है। एक एक इरर पे आपको ध्यान देना है, एक एक डिटेल आपको भरनी है, और वैसे ही काम हो। जैसे हर एक चीज पे आप जाओगे तो एक एक चीज जो ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, वो आपको बताएगा कि क्या ब्लैंक है, क्या आपने भरा नहीं, कैसा नहीं भरा है। तो जैसे सारा, जब जब आप इसको जनरेट करोगे, जब कोई इरर नहीं आएगा तब तो फिर आपका वो जनरेट हो जाएगा। ओके तो ये हमारा ये करना। नाउ DNBS 13 का जो रिटर्न है, अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यहीं पे मैंने जब ये रिटर्न बनाया तभी लिखा था, यहाँ सॉरी, इसमें कुछ है नहीं, मतलब जीरो बार, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे से फॉर एग्जाम्पल ABC डायरेक्टर, या मैं बोल दूंगा PCS, देन मोबाइल नंबर से 11 डिजिट का होना चाहिए। तो अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो यू कैन राइट 0 2 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और 1 0 लेके 11, फिर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन ईमेल आईडी @ याहू जो भी है .com, एंड आज का डेट। ये रिटर्न देखिए ऐसे ही बनता है, रिटर्न डेट और आज का मोबाइल, ठीक है। देन ओ सॉरी, ये कहाँ पे बार बार, आप इसको इस तरह से करोगे देन ये वेरीफाई होगा। डिस्ट्रिक्ट टाइम वैलिडेटिंग कर रहा है, ये आपके फिगर जिस तरह से ROC के फॉर्म प्री स्क्रूटनी होता है, एक बार चेक फॉर्म होता है फिर वो प्री स्क्रूटनी होता है, सेम ऐसे ही अगर इरर रहता है तुरंत इरर आ जाता है, फिर वो वैलिडेट करता है। वैलिडेट मतलब कि गिवेन पैरामीटर्स, या फिर आपकी प्रोफाइल, आपकी कंपनी की प्रोफाइल कैसा आपने अपडेट किया है, उस प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये फॉर्म किस तरह से। मैं इसको जनरेट इसके लिए कहना चाहता हूं कि जब एक जनरेट होता है ना, तो जो नाम से वो जनरेट होगा ना, वो नाम मत चेंज करिए आप लोग। आप किसी भी फोल्डर में सेव करिए, आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हो, आप किसी ड्राइव के अंदर सेव करना चाह रहे हो, या कोई फोल्डर के अंदर सेव, आप वहां सेव कर दीजिए, नो डाउट आपके अपने हिसाब से, बट जो नाम से वो जनरेट हो रहा है वो नाम मत चेंज करिए।
इट माइट टेक टाइम, जस्ट वेट। कोई बात नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने आई थिंक जो लास्ट टाइम दिखाया था जी, तो सबको ये एडवाइजेबल है ना कि वो दो सेशंस भी देख ले, तो क्योंकि वो तीन सेशन जो है, जो आज का सेशन और पहले वाले दो सेशन, वो मिलके एनबीएफसी पूरा कवर हो जाएगा। यस सर, अगर किसी को एनबीएफसी कुछ भी नहीं आता, आपके वो दो सेशन सर उसको एक्सेस कैसे करेंगे पिछला जो हुआ है सर? यूट्यूब पे फ्री में, यू कैन गो टू द यूट्यूब राइट न्यू अकेडमी, आप यूट्यूब चैनल का सर लिंक भेज दीजिए ना सर प्लीज। सर आप वो CKYC जो भी हम लोग कर, हाँ बोलिए। अब वो CKYC एंड सरसाई एक्ट का अभी बता रहे थे ना सर, उसका आप क्लास कब लेते हैं? देखो उस पे कैसा है ना, अगर आपको इंडिविजुअली में सीखना है तो वी कैन यू नो प्रोवाइड द लिंक कि आपको CKYC और सरसाई सीखना है, बट कैसा है ना, अगर मैं CKYC की बात करूं, जस्ट दो मिनट यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ। देखो अगर आप वैलिडेट हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख के आ जाएगा सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके टू सेव, आप ओके करते हो, ओके देन वो ऑटोमेटिक कोई फोल्डर में लेके जाएगा। तो जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है, जिस भी ड्राइव में आपको लेके जाना है, उधर आप लेके जाइए। नाम मत चेंज करिए, क्वेश्चन इज डोंट चेंज द नेम। अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और सेव करिए, यहाँ सेव हो गया, ओके एंड देन इस रिटर्न को बंद कर दीजिए। जैसे ही आप रिटर्न बंद करोगे, अगर आप डेस्कटॉप पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऐसा फाइल है, इसका नाम हम कुछ मत चेंज करिए, रहने दीजिए जैसा है ये, ओके हाँ। तो मैं था CKYC या सरसाई, ठीक है सरसाई CKYC में ना कोई भी डेटा आप डालोगे, जब आप फिल करके आप आगे बढ़ोगे ना, सब जगह वो लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल पासवर्ड वो पूछता रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी के जैसा एक PPT या एक सेशन अरेंज करे, अगर पार्टिसिपेशन होते हैं, या अगर आपको 1-to-1 भी सीखना है तो 1-to-1 भी हम एक सेशन रख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट CKYC स्टार्टिंग से लेके, मतलब टेस्ट बेड चेक प्रोडक्शन पे कैसे करते हैं, कैसे डेटा अपलोड होता है, कैसे सरसाई में रजिस्ट्रेशन होता है, सारा चीज हम कवर करते हैं। ओके यस ठीक है ना सर। या अभी अगर आप देखेंगे तो हमने रिटर्न अपलोड कर लिया, DSC लगा दिया, DSC के क्या इस तरह से हम सॉफ्टवेयर, जैसा हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया था। नाउ अभी मुझे पता करना है कि जो रिटर्न हमने सबमिट किया है उसका क्या स्टेटस है, या मैंने उस पर्टिकुलर क्वार्टर का या उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न सबमिट किया है कि नहीं। से कल को कोई कंपनी आपके पास आती है कि मेरा ये रिटर्न फाइल कर दो, आपके एज ए PCS आपके पास आती, बट आपके पास तो पता नहीं कि भाई मुझे नहीं पता, तो आप बोलते हो सर आप मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज दीजिए, मैं देख लेता हूं एक बार कि क्या क्या रिटर्न आपकी कंपनी ने फाइल किया है XBRL पोर्टल पे या फिर कॉस्मोस, जो भी रिटर्न है। तो आप इस वाले कॉलम में आते हो, पब्लिश रिटर्न पे क्लिक करोगे तो आप जो भी रिटर्न के बारे में देखना चाहते हो वो रिटर्न सबमिट करिए, डेट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे डेट आएगा, डेट सेलेक्ट करिए और वो रिटर्न देख लीजिए। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन में प्रोसेसिंग स्टेटस में अगर कंप्लीट ही लिखा, मतलब वो कंप्लीटेड है, अगर वो रिजेक्ट लिखा हुआ है, या अगर वो लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर या अनअपलोड, जो कुछ भी लिखा है, देन आप उसके पे फिर क्लिक करिए और एक्शन, जो कुछ भी आपको लेना है आप वो एक्शन ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक था बेसिकली, तो आज के टॉपिक में अगर मैं एक समराइज करूं तो यूजर क्रिएशन, सुपर एडमी यूजर और चेकर, ये दो बनाना चाहिए, एडवाइजेबल है। केवल सुपर आईडी यूजर्स कभी कभी ब्लॉक हो सकता है। रिटर्न कैसे फिल करते हैं, कौन से कॉलम में क्या डिटेल आएगा, हमने वो एक्सप्लेन किया। अपलोडिंग XML, अब ऑनलाइन हम लॉगिन करके दिखा नहीं सकते क्योंकि ये क्रेडेंशियल किसी भी कंपनी का है। DSC अफिक्स करने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, एंड यू कैन यूज इट। फाइलिंग स्टेटस सबसे लास्ट में अभी मैंने दिखाया कि पब्लिश फाइलिंग, मतलब चेक फाइल, कौन सा फॉर्म फाइल किया है, वो अपलोडेड है, अपलोडेड नहीं है, ब्लैंक है, वो चीज आ जाएगी। और अगर इस सब में अगर आपको लोगों में किसी कुछ डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट, कोई भी ऑप्शन। अदरवाइज ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन रीच मी फॉर द एनी अदर वर्क, या आपके पास कोई भी अगर डाउट है। DNVS 02 है,
हेलो हाँ सर बोलो सर जो DNVS 02M अनऑडिटेड है जैसे सेलेक्ट करके अपलोड करती है रिटर्न इसकी ऑडिट वाली भी जाती है अलग से यस सर जो मैं बता रहा था सर जो भी आप रिटर्न अपलोड कर रहे हो अगर वो अनऑडिटेड रिपोर्ट अपलोड किया है तो जिस दिन आपका जैसे ही आपकी ऑडिट कंप्लीट होती है मान लीजिए बहुत सारे NBFC अभी RBI कहता है नॉर्मल टाइम में कि 30 मई आपका लास्ट डेट है आपकी अगर 30 मई तक अगर आपका बैलेंस शीट रेडी नहीं है तो आप अनऑडिटेड फिगर अपलोड करिए और जैसे ही आपका ऑडिट हो जाता है तो विद इन वन मंथ आपका ऑडिट मान लीजिए आपका 5 अगस्त को ऑडिट होती है या बहुत सारी कंपनी एकदम सितंबर लेके जाती है 3 सितंबर को ऑडिट करती है तो 3 सितंबर के बाद से लेकर 2 अक्टूबर तक आप विद इन वन मंथ आप अपलोड करिए ऑडिटेड फिगर तो आपको इन शॉर्ट किया कि प्रोविजनल अनऑडिटेड के साथ आपको करना है और प्रोविजनल ऑडिटेड भी आपको फाइल करना मैंडेटरी है That means कि दो बारी रिटर्न जाएगी ये DNVS 02 है अगर हम पहले प्रोविजनल करते हैं बाद में ऑडिटेड भी जाएगी नहीं मतलब मैं समझा नहीं मतलब हाँ DNVS 2 आपने अगर पहले प्रोविजनल फाइल कर दिया अनऑडिटेड करके तो बाद में आपको ऑडिटेड फाइल करने जरूर है देखिए वो चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी सर जस्ट वी कैन शो अगर आपको इस फिगर में यहाँ पे मैंने लिखा DNVS अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो अनऑडिटेड ठीक है तो अनऑडिटेड जाएगा फिगर आपका अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन मैसेज है ऑडिटेड का तो ऑडिटेड फिर ऑडिट किस दिन हुई है डेट ऑफ ऑडिट आपका ऑडिटर ने किस दिन साइन किया आपको वो यहाँ पे मेंशन करना होता है अगर आपकी ऑडिट विद इन द टाइम पे टाइम से पहले अगर आपकी ऑडिट हो गई है ड्यू डेट से पहले अगर आपकी ऑडिट हो गई है तब तो आप अनऑडिटेड भरो ही मत ना तब डायरेक्ट आप ऑडिटेड ही भरो ओके ठीक है हाँ अगर आपका ऑडिटेड नहीं हुआ जी हाँ जी तो ऑडिटेड सर्टिफिकेट है जो DNVS 10 है वो तो एक टाइम ही वन टाइम ही होगी ना वो वन टाइम है सर देखिए सर वो वन टाइम है वो आपका इसके लिए सर उसका ड्यू डेट मैं बताया ना आपको विद इन वन मंथ ऑफ द ऑडिट और लेटेस्ट बाय 31st दिसंबर अगर मैं मार्च 21 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट अगर वो 12 जुलाई को ऑडिट हुई है ठीक है तो 15 जुलाई लास्ट डेट था फाइलिंग का आपने ऑडिट कर फाइलिंग कर दिया DNVS 10 जो ऑडिटर की सर्टिफिकेट है या आप एक महीने के अंदर अपलोड करो या 31 दिसंबर से पहले अपलोड करो तो उसमें कोई अनऑडिटेड या अनप्रोविजनल की क्वेरी नहीं आती है ओके सर तो सर आप ये बोल रहे हो कि मतलब जो अपन अनऑडिटेड का फाइल करते हैं जैसे 4A 4B ये सब होता है तो ये सब अगर आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो अनऑडिटेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यस यस देखिए 4A 4B जैसे है 4A और 4B एक मंथली है और एक क्वार्टरली राइट देखो मंथली तो किसी की ऑडिट होती नहीं है नहीं होती है सर ओके क्वार्टरली अगर आपकी बैलेंस कंपनी बहुत बड़ी है तब वो क्वार्टरली ऑडिट करवाती है अदरवाइज वो प्रोविजनल फिगर को ही अडॉप्ट करते हैं right, तो उस sir, केस में क्या होता है आपको वापस ऑडिटर भरने की जरूरत नहीं होती है ये बात हो रही है एनुअल बैलेंस की सबको भी पता है हाँ वो आपका ऑडिटेड ही रहेगा हमेशा यस 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 क्योंकि ऑडिट तो होगा ही नहीं फोर भी आप तो कभी ऑडिट नहीं कर पाओगे और आपको देखो उतना पैसा भी नहीं खर्चा करना कि हर महीने या हर क्वार्टर में हम ऑडिटर को पैसा दें या ऑडिट करने के लिए हाँ अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है लिस्टेड NBFCs हैं तो वो अपनी ऑडिट कराते हैं क्वार्टरली फिगर ऑडिट कराते हैं तो उनके लिए वो अप्लीकेबल हो बाकी के लिए कोई जरूरी नहीं है बट अनऑडिटेड फिगर तो फाइल करना है 4A 4B में गॉट दिस पॉइंट सर या Any other, anyone want to ask? 4A 4B, sir, 4A 4B, जब 31st मार्च का करेंगे तभी अपना ऑडिटेड रहेगा हाँ हाँ जो लास्ट वाला फिगर मैं बोलूं कि जो लास्ट मंथ का या लास्ट क्वार्टर का आप फाइल करोगे तो उसको आप एक बार अनऑडिटेड फाइल करिए विद इन द ड्यू डेट और जैसे ही वो फिगर ये होता है क्या आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है यस सर तुरंत आप उसको भर दीजिए इनकेस सर ऑडिट ऑलरेडी अवेलेबल है इनकेस ऑडिट ऑलरेडी अवेलेबल है तो अनऑडिटेड नहीं फाइल करके डायरेक्ट अपन ऑडिटेड फाइल कर यस 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 नोट अगर विद इन ड्यू डेट सर अगर विद इन द ड्यू डेट अगर आपके पास ऑडिटेड रेडी है तो आपको जरूरत ही नहीं है अनऑडिटेड फाइल करने की दोबारा आप मेहनत क्यों करेंगे सर
क्यों करेंगे? यस सर, ठीक है। बट नॉर्मल क्या होता है, जहां तक मैंने थी, मैं वो सब टॉप कंपनीज की बात नहीं कर रहा, वी कैन आस्क इन द नॉर्मल कंपनी, टॉप कंपनी होगी तो भाई वो तो बिग फोर बिग फाइव में जाएंगे। अगर हमारे पास जो नॉर्मल कंपनी उनकी ऑडिट नहीं हो पाती है तो उनके लिए एडवाइजेबल है कि आप अनऑडिटेड विद इन टाइम लिमिट आप फाइल कर दो, ताकि आप कंप्लायंस कर लीजिए। एक बार कंप्लायंस हो गया आपका, तो जैसे ही आपकी ऑडिट होती है सितंबर तक, अब बाकी प्रैक्टिकल में तो बहुत कुछ होता है, साइनिंग बाद में कब होती है कैसे होती है, ऑडिट पहले हो जाती है साइनिंग बाद में होती है, जैसे भी आपकी साइनिंग हो रही है उसके बाद आप ऑडिटेड फाइल करिए, तो आपका एक साइड में कंप्लायंस भी हो जाएगा और कोई डिफॉल्ट भी नहीं रहेगा आरबीआई के हिसाब से। ठीक है सर, ठीक है सर। आपके पास कोई ऐसा कंप्लायंस का चेकलिस्ट है, फॉर एग्जांपल कि कौन से एनबीएफसी पे क्या एप्लीकेबल होगा, कौन सा रिटर्न है ना, ऐसा? हाँ सर, मतलब कैसा है ना, जैसे गौरव सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं करीब 12 मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस 16-17 साल का है, मतलब स्टार्टिंग से मैं कंप्लायंस और सेक्रेटरियल फील्ड में ही, जब से मैंने करियर चालू किया एनबीएफसी में ही करीब 10 साल हो गए, मेरा 11वां साल है एनबीएफसी सेक्टर में, एनबीएफसी और हाउसिंग में। तो चेकलिस्ट तो है, लेकिन कैसा है ना, दैट चेकलिस्ट इज वेरी वास्ट, मतलब वो सबके लिए, इन द सेंस कि जो लोन कंपनी है, जो हाउसिंग है, जो लैब करती है, गोल्ड लोन करती है, मतलब ये क्या होता है ना, स्पेसिफिकली आप उसमें डिजाइन देखना पड़ता है कि आपका क्लाइंट कौन से सेक्टर का जॉब काम करता है, कौन से हमारे लिए क्या एप्लीकेबल होगा, आपके लिए क्या एप्लीकेबल होगा और कितना। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि नहीं करते, वो बोलते नहीं मुझको, मेरे पास दो ही ऑडिटर, से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी एनबीएफसी 100 करोड़ से ज्यादा जाता है, या आप इन्वेस्टमेंट में हो और आपका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, आपको इन्वेस्टमेंट कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट कमेटी, पता चला कि आपके पास दो ही डायरेक्टर हैं, कोई इम्प्लॉय भी नहीं है, क्योंकि आपके ग्रुप कंपनी के साथ करते हो, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कमेटी फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। Yes. आपका सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही रहेगा, सेम इन्वेस्टमेंट कमेटी भी वही रहेगा, ऑडिट कमेटी भी वही रहेगा, दो लोग अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो वो चीज क्या होता है ना कि ये चेकलिस्ट जो बनती है ना, वो क्लाइंट के सोच के ही बना सकते हो। अगर हम दे दे उसमें 150 कंप्लायंस होंगे, तो 150 में सब ये होगा कि भाई मेरे लिए मेरे क्लाइंट को कौन सा एक्टिविटी सामने आएगा। यस यस, तो ऐसे चेकलिस्ट बहुत सारे हैं, डे टू डे पे है, मतलब ओवरऑल, मतलब बोलते हैं ना, मैं तो नॉट ओनली कंप्लायंस, मतलब एनबीएफसी का फ्रॉम लोन से लेकर के टिल जीरो तक, मतलब लोन डिसबर्समेंट, उनका लोन डॉक्यूमेंटेशन, उसका सैंक्शन लेटर, ऑफर लेटर, डिसबर्समेंट नोट और ब्रांच कंप्लायंस, सबके ऊपर चेकलिस्ट है। बट थिंक इज दैट कि किसको क्या चाहिए, उस क्लाइंट को क्या चाहिए, उसके ऊपर वो मॉडिफाई करना पड़ता है। आपकी जो नॉलेज है उसका सबको मिले, और स्टिल अगर किसी के बाद भी अगर किसी को कोई और क्वेरी है तो आई थिंक आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, हेल्प करते हो, ये मैंने सबसे सुना ही है। और मैसेज भी किया है, जो भी डाउट मेरे थे सर को मैंने जो पुट फॉरवर्ड किया। थैंक यू, ये सब बस वही चीज है कि यही है जो इस सेशन भी लेने के पीछे था रीजन, एंड दूसरा अभी तक जो कुछ भी मैंने इतने सालों में सीखा है, मैं चाहता हूँ कि सी बीइंग अ प्रोफेशनल, ज्यादा करके अगर मैं कहूँ, बार बार मैं कंपनी सेक्रेटरी का नाम लेता हूँ, मैं भी बहुत ही मुश्किलों से आर्टिकल सी ट्रेनिंग और जॉब मिला, तो मैं नहीं कह रहा कि यू नो, तो मैं चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने देखा है या जो कुछ भी मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है सारी चीजें, तो वो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि हमने ढूंढ लिया, बाद की पता चला कि अगर फिर मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं भी ढूंढा, सामने वाला भी ढूंढ रहा है ये सारी चीजें, तो अगर मेरे कुछ कहने से या मेरे बताने से अगर उनको बेनिफिट होता है तो आई एम मोर देन हैप्पी। दैट इज सो ग्रेट सर, काफी कुछ great. मतलब बोलते हैं ना कि बैड सिचुएशन, मतलब फाइलिंग किया, रिटर्न अपलोड नहीं हुआ, आरबीआई वाले ने पिक नहीं किया, डायरेक्टर की तरफ से बम्बू लग रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहे हैं,
तो मतलब वो सब भी सीखा, तो सीखते सीखते अब यहाँ पे आ गया कि मुझे सारी चीज समझ में आई कौन सा इरर कहाँ पे आ रहा है। अच्छा ये इरर इसका मतलब मैं वो डायरेक्टर को मतलब या सीएफओ को मैं बोल सकता हूँ सर नहीं आप यहीं पे भी चेक करो, मतलब ये नहीं कहता हूँ टच वुड, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे सब आता, बट वी कैन से कि इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ सर मैं अगर नहीं बना सकता तो कोई नहीं बना पाएगा, आप जाके आ रही है मतलब भगवान के हिसाब से इतना एक्सपीरियंस हो हुआ है मेरा कि तो ठीक है ना, हमारे पीछे बड़ी अच्छा सोर्स है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बड़ी लिस्टेड, ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनी में मैंने कोई काम नहीं किया तो उनका मैं नहीं कहूंगा, कल को कोई आके पूछे भाई लिस्टेड कंपनी के एनबीएफसी में ऐसा क्वेश्चन आरबीआई ने पूछा, अनलिस्टेड इवन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस कंपनी हैविंग एसेट साइज मोर देन 5000 करोड़ उसके साथ भी मैंने 2 साल काम किया है, ठीक है, तो जिनका ऑल पैन ओवर पैन इंडिया बेसिस उनका ब्रांचेस थी एंड ऑल द थिंग कंप्लाइंट, सो वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ कि क्या है क्या नहीं है। छोटे छोटे कभी बहुत सारे ग्रुप में देखते हैं कि छोटे छोटे क्वेरी के लिए लोग पोस्टिंग करते हैं बट कोई उसका रिप्लाई नहीं करता है, तो हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का रीजन यही रहता है कि जो भी एकदम सिली से सिली क्वेश्चन है, सिली से सिली डाउट है आपको, यू कैन आस्क, और आपके आपके क्लाइंट के साथ अगर उसमें बेनिफिट हो रहा है, अगर आपके जॉब में बेनिफिट हो रहा है तो इससे ज्यादा हमें कोई यू नो वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सर, आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट आई विल एग्री दैट वी शुड थैंक यू, इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और सर ये प्रेजेंटेशन आप शेयर कर पाएंगे क्या, मेरे को एक क्वेरी आ रही थी। हां मैं आज के सेशन यस यस मैं उसमें मैं वी कैन शेयर ऑन द ग्रुप ग्रुप में डालता हूं। एंड सर ये रिकॉर्डिंग भी सर शेयर कर दीजिए सो दैट कहीं अटके इन केस तो हम एक बार फिर से लुक बैक कर सके। आई थिंक रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब चैनल जो है मैं करवा दूंगा इसको आपको। अभी इस बार क्या हुआ सर, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज थे इसलिए आपके एंड से सब करना पड़ा, थोड़ा सा आपको इसके बाद भी और कष्ट दूंगा ये रिकॉर्डिंग को अपलोड कराने के लिए।